Welcome everyone, this is Poonam. In this session, we are going to study about our third equation of motion. That is, v square is equals to u square plus 2as or v square minus u square is equals to 2as. In previous two classes, we are discuss about first and second equation. V is equals to u plus at and s is equals to ut plus half at square. So हम रिवाइज करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन था हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन था पोजिशन टाइम रिलेशन एंड थर्ड इक्वेशन इज अ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन. दिस इक्वेशन इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन. वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सी दिस थ्री इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर ऑलरेडी स्टडी. So today, third equation we are going to study. 2as is equals to v square minus u square or v square is equals to u square plus 2as. In this equation, v is a final velocity, u is initial velocity of a body, a is acceleration and s is displacement. So, इसके लिए भी हम वही ग्राफ यूज करेंगे जो हमने पहले दो इक्वेशन में यूज किया था, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाला ग्राफ. और बॉडी भी हम, यानी कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली ही एक्सेलेरेट करेगा बट वो रेस्ट पे नहीं होगा, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, जीरो नहीं होगी. सी पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, दिस इक्वेशन इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन. दिस v square is equals to u square plus 2as. First two is, first is velocity time, second is position time and third is position velocity. Graph हम same use करेंगे. A point से हमने start किया, यानी कि initial velocity zero नहीं है, initial velocity कुछ तो है. हमने पहले भी discuss किया, अगर initial velocity zero होती थी हमारा graph ऐसा होता, but here initial velocity is not जीरो, उसकी कुछ तो वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे. तो पहले हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं. AO इज इनिशियल वेलोसिटी, AO एंड DC. सो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, AO इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u. BC और AO इज अ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी. So BC equals to EO equals to final velocity v. OC and AD क्या है हमारा, टाइम. So AC AD equals to OC equals to टाइम t. अब देखिए हमने सेकेंड इक्वेशन में क्या किया था, डिस्टेंस फाइंड करना था हमें, और हमने एरिया को, यानी कि रेक्टेंगल के और ट्रायंगल के एरिया को फाइंड किया था, कितना ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल एरिया कितना कवर किया है. यानी कि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने इतना एरिया कवर किया था वहाँ पे भी, और हमने इसको सेपरेट एरिया फाइंड किया था रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का. थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमें भी यहाँ पे एरिया ही फाइंड करना है, बट हमें डिफरेंट एरिया फाइंड नहीं करना है, सिर्फ एक एरिया फाइंड करना है, होल एरिया को हमें एक ही बार फाइंड करना है. देखिए दिस होल एरिया को हमें एक ही बार फाइंड करना है. अगर आप ये देखेंगे तो एक एक ट्रापेजियम है. व्हाट इज अ ट्रापेजियम? टू साइड्स आर पैरेलल, दो ट्रापेजियम के दो साइड्स पैरेलल होते. तो AO और BC ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो एक ट्रापेजियम है. तो हम थर्ड इक्वेशन में सिर्फ ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करेंगे, जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था. तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन मत कीजिए, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्रापेजियम फाइंड करेंगे,
सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मीन्स एस, डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ, मैं लिख लेती हूँ, एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ, ठीक है, एक एरिया है ट्रेपेजियम है. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय टू इनटू हाइट, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अब एरिया को हम फाइंड करेंगे. सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम किसकी सम, पैरेलल साइड की सम. सो पैरेलल साइड कौन सी है, एओ, एओ एंड बीसी आर अ पैरेलल साइड, तो इनकी सम, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एओ प्लस बीसी डिवाइडेड बाय टू इनटू हाइट. हाइट क्या है, हम इसे कंसिडर करेंगे हाइट, अगर हम इस डायग्राम को घुमाएंगे तो ये होगी उसकी हाइट. तो ओडी, ओसी और एडी इज अ हाइट, तो ए हो गई एडी इज अ हाइट. तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. अगर आपको फिर से समझ में, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाती हूँ. थर्ड इक्वेशन में हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे, और उसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय टू इनटू हाइट. तो यहाँ पे एओ एंड बीसी आर अ पैरेलल साइड्स एंड एडी एंड ओसी आर हाइट. अब हम इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, एओ की वैल्यू है यू प्लस बीसी की वैल्यू है वी डिवाइडेड बाय टू इनटू एडी, एडी की वैल्यू है टी. सो अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया. अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने प्रूव किए. व्हाट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी. तो इससे हमारा टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए यू प्लस है, यहाँ जाकर माइनस होगा, तो यहाँ पे मिलेगा वी माइनस यू एंड ए टी मल्टीप्लाई, यहाँ पे आकर मिलेगा डिवाइड होगा. सो टी इज इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिलेगी v माइनस यू अपॉन टी, और ये t की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, नया इक्वेशन देखिए, t की वैल्यू तो हमने फाइंड की, तो यहाँ पे पुट करते हैं. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, और u प्लस वी को मैं v प्लस यू भी लिख सकती हूँ. t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, और ए हाफ, ये टू. अब देखिए ये टू ए डिवाइड, इस साइड आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमें टू ए एस, और इस साइड मिलेगा हमें वी प्लस यू एंड वी माइनस यू. तो आपको मैथ्स का एक फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर आपको याद होगा तो ए माइनस बी और a प्लस बी, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मैं नीचे लिख लेती हूँ, अगर ऊपर समझ में नहीं आया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए मैथ्स का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है, v प्लस यू एंड v माइनस यू, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं फिर से समझाती हूँ. सो यहाँ पे हमें ऐसे फाइंड करना है. सो डिफरेंस क्या है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे. देखिए डोंट गेट कन्फ्यूज, इन थर्ड इक्वेशन वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और इन सेकेंड इक्वेशन वी आर फाइंडिंग
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टोटल एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे फिर से t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए, और इसमें रीअरेंज करके टर्म हमें v इज इक्वल्स टू और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। देखिए अगर आप नहीं समझ गए हो तो मैं फिर से समझाती हूँ। सी वही ग्राफ है, s इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, s इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो पैरेलल साइड क्या थी, OA एंड BC उनकी सम इनटू OC डिवाइडेड बाय 2। तो OA की वैल्यू है u, BC की वैल्यू है v, OC की वैल्यू है t, हम सब ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे जो था हमारा फर्स्ट वाला, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखिए आपको अगर पता नहीं चला t की वैल्यू कैसे फाइंड की तो मैं फिर से फाइंड करती हूँ। ये इक्वेशन है हमारा फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये u प्लस से इस साइड जाकर होगा माइनस ए टी, और ये मल्टीप्लाई इस साइड होगा डिवाइड, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। तो ये t की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, और ये इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे यू प्लस वी, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टू ए, ये टू ए डिवाइड इस साइड आकर मल्टीप्लाई होगा, और इक्वेशन यहाँ पे मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ किया, वी प्लस यू वी माइनस यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो इससे हम थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे। ये तीनों इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट से, सो इसे बार बार राइट करके प्रैक्टिस कीजिए ग्राफ के साथ, तभी आपको ये याद रहेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने के लिए आएंगे। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, थर्ड, दिस इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।